अगर आप टीवी देखते हैं तो ये खबर आपके लिए है। नई टैरिफ ऑर्डर के बाद केबल ऑपरेटर्स और ब्रॉडकास्टर के बीच का विवाद बढ़ता जा रहा है। इस विवाद की वजह से टीवी दर्शकों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। क्या है ये पूरी खबर, बताएंगे सब कुछ आपको इस रिपोर्ट में। देश भर में कई जगहों पर जी, स्टार और सोनी के चैनल ऑफ एयर हो गए हैं। बताया जा रहा है कि जिसकी वजह से 5 करोड़ दर्शक प्रभावित हो रहे हैं। दरअसल ये हुआ इसलिए क्योंकि डिज्नी स्टार, जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेस और सोनी पिक्चर्स नेटवर्क्स इंडिया लिमिटेड समेत प्रमुख प्रसारकों ने उन केबल ऑपरेटरों को फीड उपलब्ध कराना बंद कर दिया है जिन्होंने नई टैरिफ ऑर्डर के तहत बढ़ी हुई कीमतों के साथ समझौते पर साइन नहीं किए हैं। केबल ऑपरेटर्स इसे लेकर नाराजगी जता रहे हैं। टेलीविजन ऑपरेटरों की संस्था ऑल इंडिया डिजिटल केबल फेडरेशन ने कहा कि उसने नए समझौते पर इसलिए हस्ताक्षर नहीं किया क्योंकि उससे उपभोक्ताओं पर 25-35% तक एक्स्ट्रा खर्च बढ़ जाएगा। केबल ऑपरेटर्स का कहना है कि नए ऑर्डर से लागत बढ़ जाएगी, वहीं नई दरों में उपभोक्ताओं पर हर महीने 60-65 रुपए का ज्यादा बोझ पड़ेगा, जिसके बाद केबल ऑपरेटर्स ने ब्रॉडकास्टर की नई दरों को मानने से इनकार कर दिया। ब्रॉडकास्टरों और केबल ऑपरेटरों के बीच चल रही तकरार का नुकसान मुंबई सहित देश भर के करीब 5 करोड़ यूजर्स अपनी पसंद का चैनल नहीं देख पा रहे हैं। विवाद के बाद ब्रॉडकास्टर्स ने उन केबल ऑपरेटरों को फीड देना बंद कर दिया है जिन्होंने नई टैरिफ ऑर्डर को मानने से इनकार कर दिया। बताया जा रहा है कि करीब 80% केबल ऑपरेटर्स इन नए टैरिफ प्लान को मान रहे हैं, वहीं हैथवे केबल और डेन नेटवर्क जैसे कुछ ऑपरेटर्स ने इसे मानने से इनकार कर दिया है। विवाद के बाद अब ऑपरेटर्स हाईकोर्ट पहुंच गए हैं। इससे पहले 15 फरवरी को प्रसारकों ने केबल ऑपरेटरों को नोटिस देकर न्यू रेफरेंस इंटरकनेक्ट ऑफर पर हस्ताक्षर करने के लिए कहा था। ये RIO दूरसंचार नियामक ट्राई की ओर से जारी न्यू टैरिफ ऑर्डर 3.0 के आधार पर तैयार किया गया है। कुल मिलाकर देखा जाए तो विवाद भले ही जो भी हो लेकिन इसका नुकसान दर्शकों को हो रहा है। देखना होगा इसमें आगे क्या रास्ता निकल कर सामने आता है। ब्यूरो रिपोर्ट, बिस्तर।